मौलिक अधिकार से वंचित करने का जो साजिश किया जा रहा है, इसको हम नहीं समझ रहे हैं। केवल धार्मिक उन्माद पैदा करके सत्ता में बैठने की साजिश की जा रही है। आप लोग रामायण के प्रेमी हैं, इसका यहाँ पर जानते होंगे, जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी थी तो शक्ति बाण को छुड़ाने के लिए संजीवनी लाने का जिम्मेवारी किन्हें दिया गया था? हनुमान को। नवादा जिले पकरी ब्रावा इंटर विद्यालय के खेल परिसर में शनिवार को नवादा जिले के राजद निर्वाचित विधानसभा सदस्यों के सम्मान में कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजित किया गया। सम्मान समारोह कार्यक्रम में वक्ताओं ने मोदी सरकार के किसान विरोधी नीतियों की घोर आलोचना की। कि आपने मुझे नली नहीं दिया, आपने गले नहीं दिया, जनता का छोटा सा मांग को जो है सो हम लोग जनता छोटी सी मांग रख देती है विधायकों से। इनका काम जो है, विधायक जी का जो काम है उस काम पर हम लोग नहीं प्रकाश डालते हैं। हम मुखिया का जो काम है वो विधायक जी से मांग करते हैं, विधायक जी का जो काम है हम लोग जानते तक नहीं है। इसलिए मैं माननीय विधायक जी से कहूंगा कि इस पर ध्यान दें। दूसरी बात, जहां आज पूरे देश में किसान की समस्या पर बात हो रही है तो किसानों की समस्या का समाधान हम लोग कहते हैं, लेकिन हमारे विधायक जी, हमारे एमपी साहब जो किसान वर्ग से ही जाते हैं, मैक्सिमम किसान वर्ग से जाते हैं और इस समस्या को उतनी ईमानदारी से नहीं उठाते हैं जितनी ईमानदारी से जनता के बीच में कहते हैं। सम्मान समारोह की अध्यक्षता राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद रियाजुद्दीन अंसारी ने किया, जबकि मंच संचालन कुलदीप यादव ने किया। इस दौरान गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य मोहम्मद कामरान तथा नवादा विधानसभा से विभा देवी भी कार्यक्रम में शिरकत की, जहां सदस्यों ने फूल माला एवं बुके देकर उन्हें सम्मानित किया। हम लोगों के नेता तेजस्वी यादव जी ने एक फॉर्मूला दिया है कि पार्टी का नाम और पार्टी का रखा है आरजेडी, ए टू जेड की पार्टी है। ए टू जेड की पार्टी है का मतलब कोई ऐसा जात, ऐसा धर्म, ऐसा वर्ग ना हो जिसका, जिसके लोग, जिसके कार्यकर्ता हम लोगों की पार्टी में नहीं हो। ऐसी पार्टी हम लोगों की होनी चाहिए। हर एक वर्ग का स्वागत है, हर एक वर्ग को जोड़ना है, हर एक धर्म को जोड़ना है, हर एक जात को जोड़ना है और तब जाकर के अगला चुनाव हर हाल में हम लोग निकालेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसमें कसर नहीं रहेगा। इस बात से आप आश्वस्त हैं कि नहीं, बताइए। एक बार 24 निकालेंगे राजद में, हम लोग निकालेंगे ना। उस समय में सबसे ज्यादा वोट किसी विधानसभा में आए तो वारसलीगंज विधानसभा में आना चाहिए। इतना मेहनत हम लोग को करना है कि 2024 में जब चुनाव हो तो हम लोग जब आकलन करें जब रिजल्ट पे तो देखें कि वारसलीगंज विधानसभा में हम जीत तो नहीं पाए थे, लेकिन जो लोकसभा चुनाव में वोट पड़ा है वारसलीगंज विधानसभा में सबसे ज्यादा पड़ा है। बस यही टारगेट हम लोगों को लेकर के आगे। सम्मान समारोह में कांग्रेस के वरीय नेता मोहम्मद जहीरुद्दीन ने कांग्रेस को छोड़कर राजद की सदस्यता ग्रहण की। सारे बाधाओं को लांघते हुए, बहुत सारी समस्याओं को पार करते हुए आखिर में इन्होंने जीत ही लिया। लोग सोचते ही रह गए, सोचते रहे, अरे वही जीता है, उसी का कदम आगे बढ़ता है। जो ये बात दिल में ठान ले कि हमको मंजिल तक पहुंचना ही है, वो पहुंच के रहा। शर्त है कि जनता मालिक है, जनता जिसे चाहे उसे ऊपर चढ़ा दे और जिसे चाहे उसे नीचे गिरा दे। कहा गया है कि उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए जिस बुलंदी पे जाके इंसान छोटा लगे। शायद ये कुछ समझ रहे थे कि कामरान साहब मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन इतनी जात पात की समस्या है, इतनी समस्याएं हैं कि शायद उसको लांग नहीं सकेंगे। लेकिन हमारी बात जब कामरान साहब से हुई, उन्होंने कहा जहीर अनवर साहब मैं मुसलमान तो हूँ लेकिन तमाम जाति बिरादरी को लेके चलता हूँ, फोरवर्ड भी मेरे साथ है, बैकवर्ड भी मेरे साथ है, जब तमाम को लेके मैं चल रहा हूँ, तो यकीन मानिए आपके दुआओं की जरूरत है, इंशाल्लाह ताला हम जीतेंगे। और इन्होंने जो कह दिया जो करेंगे, और कहने से पहले विधायक बनने से
से पहले इन्होंने बहुत कुछ कर दिया और हमारी जो समस्याएं हैं, हमारी जो आरजू तमन्ना है, ये हमारे कामरान साहब करते हुए नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हमें तमाम लोगों को इनको पहचानने की, इनके कुवत को जानने की तौफीक अता फरमाए। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को वही नवादा विधायक बीमा देवी ने भी लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नवादा जिला की जनता ने जो प्यार उन्हें दिया है उसका वह पूरा पूरा ख्याल रखेंगे। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष प्रिंस तमन्ना, प्रधान महासचिव शशिभूषण शर्मा, राजेंद्र पासवान, गोरेलाल शर्मा, धर्मेंद्र यादव, परमानंद सिंह, सलमान खुर्शीद, अरुण यादव, सुधीर यादव सहित अन्य मौजूद थे। जहाँ जीत गए वहाँ तो लोग हर्षोल्लास से है, ऊर्जावान है, लेकिन जहाँ सीट हम नहीं निकाल पाए वहाँ के लिए भी तो ये मीटिंग बहुत जरूरी है। और इसलिए जरूरी है कि आप ये नहीं समझिएगा कि आपके विधायक, आपने विधायक नहीं बनाया, आपने तो तीन तीन विधायक आरजेडी का बनाया है जो यहाँ बैठे हैं और आपकी सेवा के लिए तत्पर है। नवादा जिले से अपना मुंगेर के लिए विजय पांडे की रिपोर्ट। हो सकता है कुछ काम नहीं हो पाए, अलग विषय है, लेकिन आप जो अपने विधायक से एक उम्मीद रखते हैं वो सारी उम्मीदें आपकी हम लोग तीनों मिलकर प्रयास करेंगे कि हम लोग आप लोगों का इस सारा उम्मीद पे जो है कायम खड़े उतरे, ताकि आपको ये महसूस ना हो कि आप अपने विधायक को नहीं बना पाए। हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर, तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।